सत्यम घोटाले की जांच सेबी अभी तक नहीं कर पाई है। सेबी ने साफ कर दिया है कि इसके बिना यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यह घोटाला कितना बड़ा है। सेबी के चेयरमैन सीबी भावे ने कहा कि कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग के नियमों में बदलाव किए जाएंगे। शेयर बाजार के निवेशकों को हजारों करोड़ का नुकसान पहुंचाने वाले राजू से पूछताछ का मौका शेयर बाजार के नियम बनाने वाली सेबी को भी नहीं मिल रहा है। उस पर सेबी ये कह रही है कि घोटाला कितना बड़ा है ये हिसाब अभी नहीं लगा। We have not been able to question Mr. Raju so far. हमने ऑडिटर्स कंपनी के इंटरनल फाइनेंस डिपार्टमेंट से जाकर पूछताछ की है, पर राजू से हम अब तक पूछताछ नहीं कर पाए हैं। हमें कई दस्तावेजों की जांच करनी है क्योंकि बिना उसकी जांच के हमें पता ही नहीं लग सकता कि घपला कहां हुआ है। Because unless we do that, we will not know when the wrongdoing happened. उधर रामालिंगा राजू के बेटे की कंपनी मेटास पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने मेटास को दिए गए 400 करोड़ रुपए के ठेकों को रद्द कर दिया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अब जानकारी दी है कि मेटास के खिलाफ भी सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन निवेशकों की चिंता उन्हें हुए नुकसान की है और इसकी भरपाई जल्दी हो इसे लेकर आवाज भी उठने लगी है। मैं बोल रहा हूँ, जितने भी गरीबों के जमीन जो आज मकान बनाने को किसी के पास पैसा ही नहीं है, जो 100 रुपए गज का जमीन रेट बढ़ा देके 1000 रुपए हो गया, उस वक्त वो जमीन पूरा ले लेके गरीबों को देना और बाकी का पैसा जो इसमें से निकाले वो कंपनी में डालना बोल के मेरा ओपिनियन। इस हाल में भी सत्यम को खरीदने के लिए बड़े कारोबारियों की कतार लगी है, लेकिन जब तक ये मालूम नहीं हो जाता कि घोटाला कितना बड़ा है और निवेशकों पर कंपनी का कितना बकाया है, सत्यम कंप्यूटर को खरीदने के सौदे पर मुहर नहीं लग सकती। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ कंचन पंत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।